पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। तीन राज्यों में चुनाव जीत पर भाजपा अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सभी को बधाई दी। वो बोले कि चार राज्यों में आए परिणामों को देखकर लगता है कि जनता का विश्वास मोदी जी की गारंटी में है, इसीलिए मोदी जी के चेहरे पर लड़े गए चुनाव पर जनता ने विश्वास दिलाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के तीन राज्यों में भाजपा की जीत पर उठाए गए सवालों पर बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं में आरोप लगाकर अपमान करना, इस पर विपक्ष को विचार करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो तेलंगाना में कांग्रेस की भी सरकार बनी है, जनता सब जानती है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार का चार राज्यों में परिणाम आए हैं, उन परिणामों को देखकर यही लगता है कि देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से तीन राज्यों में बहुमत की सरकार बना रही है, और तेलंगाना में भी हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और हमारा नंबर भी बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जीत मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी की समाज में स्वीकारता है, और हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, और भाजपा के और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, इसमें गरीब, महिला, युवा और किसान हम सबको लेकर चल रहे हैं, उसी का ही परिणाम है ये कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जन जन तक अपनी बात पहुंचाई, और ये भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जनादेश मिला है। मैं एक बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी पार्टी, अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में गए, ये उसी का परिणाम है। और मुझे विश्वास है हमारी जो सरकार की नीति है विकास की, डेवलपमेंट की, गरीब कल्याण की, उसे हमारी राज्य सरकारें पूरा करेंगी। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर जनादेश का अपमान करना आरोप लगाकर, ये बहुत दुखद घटना है। सभी राजनीतिक दल को इस बारे में विचार करना चाहिए। प्रदेश देश की जनता सब जानती है। अब तेलंगाना में टीआरएस की सरकार, बीआरएस की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी जीती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा के पक्ष में जनादेश आया। तो केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, और सारे राज्यों की सरकारों में उनकी जो राज्य की बिस्तरी है सरकारी, उसी के देख रेख में चुनाव हुए हैं। इस तरह के बयानबाजी करके अपनी जवाबदेही से और जनता के प्रति जो हमारे अविश्वास है उससे बचने का एक माध्यम है ये, और मेरा निजी मत है कि हम राजनीतिक दलों को अपनी पराजय या जय में राजनीतिक परिणामों में जिस प्रकार के राजनीतिक परिणाम आए स्वीकार करना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए, और जनता ने जो हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया जनादेश का, हम सबको सम्मान करना चाहिए। सर मायावती जी ने तो ये भी कह दिया है कि वो भाजपा को फायदा पहुँचाया, वो उनका अपना निर्णय है, वो राजनीतिक दल के नाते बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बड़ी पार्टी है, और मायावती जी के नेतृत्व में चार बार सरकार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनी है, तो ये निर्णय उनका है। वो जो भी उनके हित में होगा, जो उनका पार्टी का निर्णय होगा, उस निर्णय के। सर क्या 2024 का सेमीफाइनल माने जिस तरह से भाजपा को जनादेश मिला है? हम लोग लगातार अपनी पार्टी के कार्यक्रम, अभियान और अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में हैं।
भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और हमारी जो नीति है गरीब कल्याण की, उन्हें लेकर हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी जनता के बीच में लगातार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के जो सरकार की गरीब कल्याण की नीति है, इन सारे विषयों में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, परिणामों में ये चीज़ें स्पष्टता सामान्यता प्रदर्शित होती हैं। और लोकसभा के चुनाव हैं, हम अपना पूरा लेखा जोखा लेकर, भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के कामकाज का, जो 10 वर्षों में सरकार ने काम मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उन सारे कामों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है देश की महान जनता मोदी जी के साथ खड़ी होगी, मोदी जी को आशीर्वाद देगी और मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। सर दूसरा उधर उसका नतीजा भुगतना पड़ा है, कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया। आपने देखा वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का किस प्रकार से बयान आया, द्रमुक के नेताओं का किस प्रकार से बयान आया, भगवान राम के अस्तित्व को मानने से किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हलफनामा दायर कांग्रेस ने किया। तो ये सब लोग जिस प्रकार की इनकी परिस्थिति है, ये उन परिस्थितियों के आधार पर ये हमेशा देश के सामाजिक ताने बाने को लेकर इन्होंने हमेशा विरोध किया। और देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सब जानती है। ठीक सर, थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।